वेलकम बैक टू माय चैनल बिपाशा ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। हैप्पी छठ पूजा मेरा यूट्यूब फैमिली को। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं सुबह उठ के सबसे पहले हेयर को बांध ले रही हूँ क्योंकि आज है छठ पूजा, तो मैं जाऊँगी घाट में। तो देख सकते हैं रूम सबसे पहले क्लीन करना है, तो चलिए मैजिक से ठीक कर देते हैं। तो ये रहा मेरा मैजिक, मेरा मैजिक से पूरा रूम एकदम ठीक हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और कितना अच्छा से मैंने क्लीन कर लिया है। तो मैं अब घर को क्लीन कर लूँगी। मेरा घर में छठ पूजा नहीं होता, बट छठ पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर एक इंसान को इंडिया में पसंद है। इंडिया का बाहर यूएसए अमेरिका हर जगह मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल मैं बचपन से देखते आई हूँ, बचपन से बड़ी हुई हूँ देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बहुत भक्ति का साथ हम जाते हैं देखने, मेरा फैमिली भी जाते हैं देखने। यहाँ पर मैं भगवान का बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ इसलिए क्योंकि मम्मी बोली आज पूरा घर वगैरह साफ़ सफाई भगवान का, क्योंकि छठ माँ का पूजा बहुत अच्छा से मनाया जाता है और ये पूजा बहुत जागृत भी है। तो इसीलिए मैं आज जल्दी जल्दी नहा धो रेडी हो जा रही हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप कर ले रही हूँ क्योंकि मैं पूजा में जाऊँगी, घाट में जाऊँगी। आज मेरा घर में बहुत जल्दी जल्दी सारा काम वगैरह हो गया था और बहुत कोई ना अभी घाट में जा ही रहा था और बैकग्राउंड में ना इतना अच्छा छठ माँ का सॉन्ग बज रहा है, काश मैं आप लोग को सुना पाती, नहीं तो मेरा कॉपीराइट दे देगा। इसीलिए मैं वो सॉन्ग आप लोग को सुना नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपना फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। मैं उसी के साथ जाऊँगी घाट में और बहुत कोई जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं वो जो डलिया उठा के जाते हैं ना, इतना अमेजिंग लगता है छठ पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग का यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बिहार जैसा तो नहीं, मैंने सुना है बिहार में बहुत अच्छा से मनाया जाता है, बट हम लोग का यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा से डेकोरेशन किया जाता है, बलून वगैरह सजाया जाता है, लाइट लगाया जाता है और बहुत भीड़ होता है। और मैं बचपन से ये चीज़ को एंजॉय करते हुए आ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ छठ माँ का व्लॉग बना रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी दूसरा दूसरा इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे तीन घाट होता है। तो ये सबसे पहला घाट जो मेरा घर से एकदम 5 मिनट का रास्ता है, मैं बहुत सारा व्लॉग में आप लोग को दिखाई भी हूँ कि यहाँ पर छठ पूजा होता है। देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर से आंटी लोग पानी में उतर के पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पर सूर्य देवता का पूजा किया जाता है बहुत ही अच्छा से, तो मुझे भी इंजॉय करने का मन करता है। जिनका फैमिली में छठ होता है वो लोग इतना ज़्यादा इंजॉय करती होंगी ना, शाम में सुबह में तो सबसे और अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठो, नहाओ धो, रेडी हो जाओ, फिर जाओ घर का पूजा, एक अलग ही मज़ा होता है, इमोशन ही अलग होता है। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा घाट। तो ये रहा हम लोग का यहाँ का तीसरा घाट, सॉरी दूसरा घाट उस साइड था, ये है तीसरा घाट। तो यहाँ पे बहुत कोई, हम लोग को जाने में बहुत टाइम लग गया, 15 to 20 मिनट लग गया। तो यहाँ पे आधा घंटा पूरा हो गया था और हम लोग घूम लेते हैं चुके हैं। अब करेंगे पूजा पाठ। तो यहाँ शाम को मैं पूजा पाठ करूँगी इसलिए मैं आके जो भी रेडी वगैरह हुई थी उसको खोल दे रही हूँ। अब मैं जाऊँगी सुबह में तो वो भी यही ब्लॉग में आप लोग को दिखेगा। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहिए, ब्लॉग को अंत तक वॉच कीजिएगा, होपफुली आप लोग को पूरा ब्लॉग ही इन्जॉय लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मॉर्निंग हो चुका है, मैं उठी थी 4 बजे, अभी बज रहा है 5:10 और बाहर में है ढेर सारा अंधेरा, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा है। बट अभी हम लोग निकलेंगे, मेरी फ्रेंड कॉल की थी तो यहाँ से मैं निकलूँगी अब। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सूट पहन ली हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का पूजा में अधिकतर इंसान सूट ही पहनता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा पूजा वाला लुक क्रिएट किया जाए, तो यहाँ पर मैंने वही लुक क्रिएट किया है।
तो कैसा लग रहे हैं हम कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। और सुबह को मैं 3 बजे ही उठ गई थी, तो फिर मम्मी बोली 4 बजे उठना, तो फिर मैं 4 बजे उठी और अभी तक देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं। और बाहर में बहुत ज़्यादा ओस गिर रहा था जो होता है ना, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं तो सोचती हूँ कि इसमें जाके पानी में जाके नहा के पूजा करना कितना बड़ी बात है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ ये घाट आने में हम लोग को 10 से 15 मिनट लगा पैदल चल के आने में। तो हल्का हल्का सुबह होने लगा और इतना ज़्यादा कुहासा जिसको बोलते हैं, मतलब जो ओस गिरता इतना ज़्यादा था ना, तो फिर धीरे धीरे वो क्लियर होने लगा। यहीं देख सकते हैं आंटी लोग सब कोई जाके वहाँ पे पूजा कर रही है पानी में, सूर्य देवता का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मेन यही होता है, इस पूजा का मेन यही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत भीड़ हुआ था और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट जैसे सुबह हो रहा था धूप उग रहा था उस समय से हम लोग को ठंडा थोड़ा कम लग रहा था, बट मैं कुछ स्वेटर वगैरह वेयर नहीं की। और ये रही मैं और मेरी फ्रेंड। मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा ही मैं ठंडा लग जाता है, इसीलिए वो थोड़ा स्वेटर वगैरह पहन के है। देख सकते हैं रोशनी आ चुका है और यहाँ पे बहुत किसी का पूजा धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, जिनका वेट था इतना देर से पूजा कर रही थी सब कोई, तो यहाँ देख सकते हैं। और बहुत कोई आग भी जलाया था क्योंकि नहाने के बाद ना ठंडा लग रहा था बहुत, कोई आंटी लोग चला गया यहाँ पे नीचे। तो अब हम लोग घर की ओर आ रहे हैं और धूप बहुत मस्त लग रहा है। रहा हम लोग का जंगल का रास्ता है, यहाँ पे छठ पूजा खत्म, सब पूजा खत्म, मेरे को हर साल छठ पूजा। आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा है छठ पूजा का, अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल विपाशास व्लॉग पे न्यू व्लॉग आता है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट मी गाइस, जल्दी से मेरा 1K पूरा कर दीजिए। कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है मेरा, तो 1K हो जाएगा और बढ़िया बढ़िया व्लॉग वीडियो मैं लाऊँगी इंस्पायर होकर। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट किया कीजिए आप लोगों को किस तरह का व्लॉग चाहिए, मैं ज़रूर आप लोग के लिए लाऊंगी। और सुबह का और शाम का दोनों ही मैंने एक ही व्लॉग पर डाल के पोस्ट किया है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, नए दिन में नया एक इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा व्लॉग लेके आप लोग के लिए।